आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है वो डिवीजन स्पिनोफाइटा के क्लास स्पिनोप्सिडा के ऑर्डर इक्विसिटेल्स की फैमिली इक्विसिटेसी का मेंबर है। इसको हॉर्सटेल नाम से भी जाना जाता है। इक्विसिटम शब्द जो है लैटिन भाषा शब्द इक्वा जिसका मतलब है हॉर्स और सेटी जिसका मतलब है ब्रिस्टल शब्द से लिया गया है, इसलिए इसको हॉर्सटेल नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर चार ऑर्डर्स हैं क्लास स्पिनोप्सिडा के, और इन ऑर्डर्स में जैसे हाइनियल्स कैलेमाइटल्स स्पिनोफाइलल्स के जो मेंबर्स हैं वो सभी फॉसिल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सिर्फ इक्विसिटेल्स के अंदर एक लिविंग फॉर्म या लिविंग जीनस इक्विसिटम पाया जाता है। इन ऑर्डर इक्विसिटेल्स ओनली वन लिविंग फॉर्म इक्विसिटम इज फाउंड। इसलिए इक्विसिटम जो है पूरे स्पिनोफाइटा डिवीजन का एकमात्र जीवित जीनस है। इट इज़ द ओनली लिविंग जीनस ऑफ ऑर्डर स्पिनोप्सिडा। इसके अंदर हम सभी जानते हैं प्लांट बॉडी बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट होती है जो कि जड़ तने और पर्णों में विभेदित रहती है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। तने में स्पष्ट पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। नोड्स आर प्रेजेंट ऑन शूट। पत्तियाँ जो हैं नोड्स शल्की होती हैं और पर्व संधियों पर घेरा बनाती हैं। कोन्स आर फॉर्म्ड एट द टिप्स ऑफ स्टेम। तने के शीर्ष पर शंकु या कोन का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरेंजियोफोर्स। बीजाणु धानियां जो हैं बीजाणु धानी धरों स्पोरेंजियोफोर्स पर स्थित होती हैं। स्पोर्स आर होमोस्पोरस। स्पोर्स जो होते हैं बीजाणु जो होते हैं सम बीजाणुविक होते हैं, सारे स्पोर्स एक जैसे ही होते हैं। एंड एंथ्रेजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। और जो पूमणु होते हैं वह बहुकशाभिकी यानी मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इक्विसिटम की लगभग 15 से 30 जातियां हैं और इंडिया में पाई जाने वाली भारत द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इज इक्विसिटम डेबाइल। इसमें आई गलत लग गया, डेबाइल है। एंड इक्विसिटम रेमोसी सेसिमम जिसमें कि राजस्थान में पाई जाने वाली स्पीसीज है इक्विसिटम रेमोसिसिमम। इक्विसिटम की बहुत सारी जातियाँ मिनरल्स का एकत्रीकरण करती हुई पाई जाती हैं। बेनेडिक्ट ने 1942 के अंदर बताया कि इक्विसिटम के कुछ स्पीसीज होती हैं जो स्वर्ण धातु यानी गोल्ड का संचय करती हैं। अकॉर्डिंग टू बोगट इन 1942 इक्विसिटम की कुछ स्पीसीज के मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके इंडिकेटर्स के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जातियाँ जो स्पीसीज होती हैं इक्विसिटम की उनकी आउटर एपिडर्मिस पर सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इक्विसिटम की स्पीसीज जो हैं वो आयुर्वेदिक औषधि में डायूरेटिक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अपन देख रहे हैं इक्विसिटम के स्ट्रक्चर की। इक्विसिटम की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है ये तो है इसका प्लांट फर्स्ट वाला जिसमें कि ट्यूबर कोन्स आप देख रहे हैं ऊपर, तो एक घोड़े की पूंछ जैसा अपने को दिखाई देता है इसका स्ट्रक्चर। इसके ये इक्विसिटम जो है एक पेरिनियल हर्ब बहुवर्षीय शाखीय पौधा होता है। इस द स्पीसीज ऑफ इक्विसिटम आर पेरिनियल हीट्स नहीं है, हर्ब्स है ये। देयर इज़ अ
creeping rhizome and form from its nodes arise aerial branches. पौधों में एक बहुशाखित विसर्पी प्रकंद क्रीपिंग राइजोम पाया जाता है जिसकी पर्व संधियों से बहुत सारी एरियल उधर वायवीय शाखाएं निकलती हैं. नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट ऑन राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस. जो प्रकंद व वायवीय शाखाएं जो होती हैं उनमें पर्व संधियां व पर्व पाए जाते हैं. एरियल ब्रांचेस आर एनुअल बट मे बी पेरिनियल इन सम स्पीसीज. जो वायवीय प्ररो वार्षिक होते हैं लेकिन कुछ स्पीसीज में ये बहुवर्षी या पेरिनियल भी पाए जा सकते हैं. रूट्स जो होती हैं एडवेंटिशियस होती हैं और ब्लैक एंड थिन एंड फिलामेंटस. जड़ें जो हैं वो अपस्थानिक होती हैं और भूमिगत तना जो होता है, जो प्रकंद होता है, अंडरग्राउंड राइजोम जो होता है, उसकी सभी नोड से जड़ें उत्पन्न होती हैं, उसकी सभी पर्व संधियों से जड़ें उत्पन्न होती हैं, जिनका रंग काले रंग का होता है ये, और ये तंतु समान, तंतु के जैसे फिलामेंटस होती हैं और पतली होती हैं. इसके बाद में स्टेम जो होता है इसका अंडरग्राउंड राइजोम एंड फ्रॉम इट्स नोड्स द एरियल ब्रांचेस राइज. देखिए आप इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर ये स्ट्रक्चर देखिए. इक्विसिटम की सभी जो स्पीसीज होती हैं उनमें जो मेन स्टेम या मुख्य तना जो होता है वो अंडरग्राउंड राइजोम भूमिगत प्रकंद के रूप में पाया जाता है. देखिए इधर अंडरग्राउंड राइजोम हमें दिखाई दे रहा है इसमें, जिसकी पर्व संधियों से वायवीय शाखाएँ, ये देखिए आप इसके नोड से ऊपर एरियल ब्रांचेस निकल रही हैं. ये काले अथवा गहरे भूरे रंग का होता है, डार्क ब्राउन इन कलर और ब्लैक इन कलर, जिसकी पर्व संधियों पर शल्क पर्णों का एक चक्र पाया जाता है. देखिए इसकी पर्व संधियां नोड से एक वर्ल ऑफ स्केली लीव्स, चक्र के रूप में स्केली लीव शल्क पर्णों का उत्पन्न होती हैं. प्रत्येक पर्व संधि पर शल्क पर्णों की संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती हैं और ये जो इनके शल्क पर्णों के आधारीय भाग जो होते हैं, जो बेसल पार्ट जो होते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और एक शीथ बनाते हैं, एक आच्छाद बनाते हैं. प्रकंद पर उपस्थित पर्ण काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं जिनकी एकांतर स्थिति में शाखा कलिकाएँ पाई जाती हैं. ब्रांच नोड्स प्रेजेंट होती हैं और प्रकंद की प्रत्येक पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं. जो इनकी यंग एरियल ब्रांचेस जो होती हैं वो हमने अभी पढ़ा कि ये प्रकंद की पर्व संधियों से उधर वायवीय शाखाएं जो होती हैं वो विकसित होती हैं और जिन पर स्पष्ट पर्व व पर्व संधियों की उपस्थिति से तना जो होता है वो संघित या आर्टिकुलेटेड रूप में अपने को दिखाई देता है. वायवीय शाखाएं या तो वार्षिक या बहुवार्षिक, शाखित या अशाखित हो सकती हैं और शाखित जो होती हैं उनके शाखित वायवीय तने में शाखाएं जो होती हैं उनकी पर्व संधियों और पर्णों के ठीक नीचे से निकलती हैं और तना जो है उसमें पर्व के आधार पर, मतलब नोड के जस्ट ऊपर जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, अंतर्वेशीय विभाजन तक पाया जाता है इसके अंदर. इक्विसिटम डेबाइल जो स्पीसीज होती है और इक्विसिटम मेरियोक्चेटम, इनके अंदर जो एरियल ब्रांचेस पाई जाती हैं वो उनके अंदर बंध्य व जननक्षम प्ररोह में विभेद नहीं पाया जाता है और सभी शाखाएं हरी और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती हैं और इनके शीर्ष पर, मतलब एपेक्स पर, शंकु अथवा स्ट्रोबाइलस उत्पन्न होते हैं. इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ
स्पीसीज़ जो होती हैं एक्विसिटम की, उनमें संश्लेषी शाखाओं पर जो प्रकाश संश्लेषी शाखाएं जो बनती हैं उनमें स्ट्रोबाइलस अथवा कोन जो या शंकु जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जाति, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका एक्विसिटम आर्वेंस है, इसमें विशेष प्रकार के अहरित नॉन ग्रीन अनब्रांच्ड अशाखित वायव जननक्षम प्ररोह विकसित होते हैं। एरियल और फर्टाइल जो होते हैं वो प्ररोह उत्पन्न होते हैं जिसके शीर्ष पर शंकु बनते हैं, और इन जननक्षम शाखाओं का कार्य केवल शंकु उत्पन्न करना ही होता है। इन जब ये जो फर्टाइल ब्रांचेज होती हैं इनमें ये नॉन ग्रीन होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और इनका काम सिर्फ कोन को बनाना होता है। और ये जब स्पोर्ट्स जब अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं बाहर, तो ये शाखाएं जो हैं वो टूटकर नष्ट हो जाती हैं। इस तरह का एग्जांपल है एक्विसिटम आर्वेंसे। इसी तरह से एक्विसिटम पेटेंसे या एक्विसिटम सिल्वेटिकम के अंदर रंगहीन कलरलेस अनब्रांच्ड ब्रांचेस से जब मैच्योर कोन टूटकर अलग हो जाते हैं, देखिए आप ये लगे हुए हैं कोन्स, तो शाखाएं जो होती हैं वो फिर से ग्रीन हो जाती हैं, हरे रंग के हो जाती हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हो जाती हैं। एक्विसिटम पॉलिस्ट्रे के अंदर जो राइजोम होता है उससे तीन तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। एक तो होती हैं बंधे शाखाएं, फर्टाइल ब्रांचेस स्टेराइल ब्रांचेस। दूसरी होती हैं जनन क्षम शाखाएं जो कि फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं, और तीसरी होती हैं जननक्षम शाखाएं जो स्ट्रोबाइलस के गिरने के बाद बंधे शाखाओं की तरह से काम करती हैं और हरी प्रकाश संश्लेषी हो जाती हैं। क्योंकि जो पर्ण बहुत लीव्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और अहरित मतलब ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, स्केली होती हैं, शल्की होती हैं, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो होता है वो वायवीय तने के द्वारा होता है, और ये इसका एक मरुद्भिद लक्षण है। थैंक यू।